अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हमारा सबक नंबर 23 रशनुमा और शख्सियत का इर्तिका इसका मुताला करने वाले हैं। इस सबक में हम दो खास और अहम नुकात पर नजर करने वाले हैं, जो कि है इंसानी रशनुमा और शख्सियत का इर्तिका। अज़ीज़ तलबा, इन दोनों नुकात पर हम पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। रशनुमा यानी क्या? इंसान का जिस्मानी तौर पर बड़ा होना रशनुमा कहलाता है। अजीज सलमा, हम रशनुमा को एक मिसाल के जरिए समझेंगे। अगर आपने कभी देखा होगा तो, या आप घर में किसी बीज को लेकर मिट्टी में लगाए तो कुछ दिनों के बाद एक बारीक सा उसका एक कोम निकलता है बाहर। कुछ वक्फे के बाद में उसी कोम को दो तीन छोटे छोटे पत्ते आते हैं, फिर कुछ वक्त के बाद में उसको और थोड़े पत्ते आते हैं, और कुछ वक्त होने के बाद में वो काफी बड़ा पौधा बन जाता है जिसमें फल और फूल आते हैं। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो वक्त के साथ साथ बढ़ता गया? जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी नशोनुमा होते गई। अब शख्सियत का इर्तिका, इससे क्या मुराद है? इंसान बचपन से लेकर बालिग होने तक जिस्मानी तौर पर तो बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी हड्डियां मजबूत होती है, उसमें ताकत आती है, उसका जिस्म बढ़ता है, मगर एक उम्र के बाद में सब चीजें रुक जाती है। तो अजीज तलबा, जब जिस्मानी नशोनुमा को छोड़कर जब इंसान नई सलाहियत सीखता है, नई चीजें सीखता है, और नई चीजें सलाहियत क्यों सीखता है? ताकि वो उसकी जिंदगी को आसान बना सके। तो आइए अजीज तलबा, अब हमारे सबक में हम इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे।